हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्ण पाल। टुडे आई विल शोइंग यू सम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, हाउ टू यूज एज ए एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस इज प्लेट भाई, आई डोंट नो क्या इसका नाम है। इसके अंदर दो प्लेट, एक नीचे एक ऊपर। दिस इज ए क्रोमेटोग्राफी पेपर जो कि आपको लैब में मिल जाएगा, और ये जो हमारा नीचे जिसमें कंपाउंड रखेंगे उसी के रेडियस के या फिर उसके कल थोड़ा ही बड़ा काटेंगे इसको। अब हम चलते देखते हैं कि इसके जो नीचे हैं ये सब हम कर रहे हैं, इसलिए इसको उठा के नहीं दिखा सकते। इसके नीचे कंपाउंड भरे हैं जो कि सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं, जिसमें एक है एसीटोन, दूसरा इथाइल एसीटोन और तीसरा जो है HCl है, जो कितना कितना लेंगे जो कि बोर्ड पे है अभी मैं दिखाता हूँ। देखो, आई होप देख लियो। हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि 18 ml एसीटोन लेंगे और 18 ml इथाइल एसीटोन लेंगे और 4 ml जो है HCl, जो कि कहाँ रखा है अभी मैं ये दिखाता हूँ। ये रहा इथाइल अल्कोहल, ये रहा एसीटोन और ये रहा HCl, जिसमें से 4 ml HCl लेना है, 18 ml एसीटोन, 18 ml इथाइल एसीटोन, और ये रहा कैपिलरी जिसमें हम स्पॉट बनाते हैं, जो पेपर में स्पॉट बनाते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हो ABC तीन हम बिंदी रखे हैं, इसमें जो वो अभी कैपिलरी दिखाए हैं उसका एक स्पॉट जो कि आयन के रूप में मूव होगा, उसी को हम बिंदी जैसे ऐसे 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 लगा दिए हैं 3 जगह अलग अलग। अब जैसे ही हम इसमें नीचे सॉल्वेंट को रखेंगे तो नीचे से ऐसे इस बाती के सहारे इस पर धीरे धीरे रिसाव हो रहा। देखो, हो रहा है, मेरा यहाँ तक पहुँच गया है। तो जो हम कंपाउंड इसमें स्पॉट मारे थे, कुछ इधर मूव करेगा, कुछ इधर बी की तरफ, कुछ सी की तरफ, जिसका डिस्टेंस हमको मोबिलिटी निकालना है, RF वैल्यू जो कि फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है, कंपाउंड कितना मूव किया या आयन कितना मूव किया डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट जो कि ये कितना मूव किया, ऐसे आ जाएगा। और बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है भाऊ, आई होप तुम समझ गए होगे। 2 मिनट का वीडियो बन गया, मैं कितना भी शॉर्ट बनाना चाहा यही है। ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं और बैठे हैं बाकी लैब में, कुछ करना नहीं है। ये देखो, ये सब हैं भाई, सब करके बैठ गए हैं। यहाँ देखो मेरा हो रहा है, सबका हो चुका। फिर जब मूव हो जाएगा तो इसको सुखाने के लिए बाहर अंदर कोई ले गया है, फिर सुखाने के बाद कैसा मिल रहा है हम तुमको दिखाते हैं। सुखाने के बाद इस तरीके से मिल रहा है। तो अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड की जितनी मोबिलिटी हुई और ये सॉल्वेंट का, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा RF वैल्यू आ जाएगा, जो कि यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं यार, अच्छा जहाँ तक गया है ट्रेवल, फोटो खींच नहीं आता ना? नहीं नहीं, ये देखो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, देखो सॉल्वेंट की डिस्टेंस देख लो, मेरी फोटो लो या मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। हां दिखाओ दिखाओ, ये कैलकुलेट कर रहे हैं महारथी, ये देखो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, ये सॉल्वेंट का है ना, तो बस ये दोनों को। अच्छा दो बिगिन आपो चलो चलो चलो, ये देखो जैसे कि सॉल्वेंट जहां तक वो तुम्हारा आयन जहां तक मूव किया है, जैसे ए है तो इसका एक आयन यहां तक मूव किया। हां ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हां डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्वेंट की डिस्टेंस। हां और उसमें बी का भी, बी में सेम, इसमें 3 जगह मूव किया, देखो लग नहीं रहा, एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है। हां तो एक पहले यहां तक मूव किया ये, फिर यहां तक मूव किया ये लाल वाला, फिर ये नीला वाला यहां तक मूव किया। तो ये कहां से, इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस। इसमें क्या डाल रहे हो, तो ऐसा आ रहा है, इसका नाम बताओ। सॉल्वेंट लिए पूरा वो जो इसमें लिए थे, हां उसके बाद इसके ऊपर रखे थे इसको, हां फिर जब टच कर गया पूरे, हां हो गया, बाय। रखते हैं, आई होप तुमको समझ में आ गया, और इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो।